ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जयपुर में हुई 1 करोड़ की लूट मामले की। तो जयपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि 17 अक्टूबर को मुरलीपुरा इलाके में बेनाड रोड पर बालाजी ज्वेलर्स पर ये लूटपाट हुई थी। मामले का खुलासा करते हुए DCP वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने ये जानकारी दी है। ये पूरी साजिश उदयपुर जेल में बंद दिलीप उर्फ माही ने रची थी और वहीं से इसे ऑपरेट किया था, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हरियाणा जेल में बंद एक और बदमाश के साथ ही एक अन्य महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों से 200 ग्राम सोना और 12 किलो चांदी भी बरामद कर ली गई है। एक विनोद प्रजापत नामक व्यक्ति, जिसने अपनी एक मित्र की स्कूटी लाकर दी थी, उसे पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ से ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना का मुख्य जो सरगना है वो दिलीप स्वामी उर्फ माही है, जिसके साथ में 2 अन्य बदमाशन थे जिन्होंने इसमें घटना की थी। तलाश में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक मुलजिम दिलीप, जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त भी है, वो दिल्ली और दिल्ली से आगे हिमाचल की तरफ जाना प्राप्त जानकारी में आया। इस पूरी वारदात को उदयपुर जेल में बंद एक उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी मुकीम ने योजना तैयार की थी और उसने माही उर्फ दिलीप को इसको अपनी योजना बताई और उत्तर प्रदेश से कुछ बदमाशों से उनको हथियार उपलब्ध कराए और हथियार उपलब्ध कराने के बाद में दिलीप, पंकज, रमन और 3 ने इस वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में हुई एक ज्वेलरी व्यापारी से 1 करोड़ रुपए आभूषण की वारदात का वेस्ट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि चारों ही शातिर बदमाश काफ़ी शातिराना किस्म के हैं और जयपुर नहीं बल्कि हरियाणा, उदयपुर और कई जिलों के अंदर इनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मुख्य रूप से एक माही है जो कि मुख्य अपराधी बताया जा रहा है, जिसने जेल के अंदर रहकर इस पूरी जो वारदात है इसके तानाबाना इसने बुना था और उसके बाद के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल बड़ी बात तो ये है कि करीबन 200 ग्राम सोना और 12 किलो चांदी बरामद कर ली है और जो बाकी के साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो बाकी बदमाश हैं कब तक पुलिस गिरफ्त में आएंगे। साथी पंकज सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।